और चलिए चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और बनाए जाए इसके अंदर आज एक महत्वपूर्ण जो देखा है हमने कि उड़ीसा का ये जो महानदी बेसन पावर लिमिटेड के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से एक प्रोजेक्ट का जब ऑफर मिली, उस ऑफर में हमने आज 800 मेगावाट का एक समझौता इनसे किया है। ये 800 मेगावाट हमको मिलेगी और साथ ही यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट पहले हमारा चल रहा है 600 मेगावाट का, उसके साथ 800 मेगावाट का एक नया प्लांट भी हम लगाने जा रहे हैं, उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी होगा। तो ये हमारी बढ़ कर के जब 1600 मेगावाट ये और हमको मिल जाएगी, हमारी अपनी 2500 और 800 3382 हो जाएगी और उसके अतिरिक्त ये जो बाहर से हमको मिल रही है ये हमारे उस पूल में जुड़ जाएगी, ताकि हमारी जो 15000 की आज 14000 मेगावाट की जो आवश्यकता है, जब तक ये लगेंगे पूरा होंगे, हो सकता है उस समय और 1000 मेगावाट के लगभग उसकी आवश्यकता और पड़ेगी, तो कुल मिलाकर इसकी आपूर्ति से हो जाएगी। और हम पहले भी आत्मनिर्भर हैं, पावर में कोई कमी नहीं है, जितनी हमारे पास सब ठीक है, उसके अलावा हम मार्केट से खरीदते हैं, खास करके उसमें हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, जो सामान्यतः सस्ती मिलती है, उस नाते से हमारी पूर्ति हो रही है और पावर की हमने कमी नहीं आने दी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो अथवा डोमेस्टिक हो। बल्कि डोमेस्टिक में तो हमारा जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 24 घंटे बिजली देने की जो बात कही थी, आज 5800 गाँवों में से हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली आपूर्ति दे रहे हैं और जिसको जितनी बिजली जिस समय चाहिए उतनी दे रहे हैं, कहीं कोई पावर की स्थिति ऐसी नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आज हमारा ये हुआ है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। आज खरीफ सीजन 2023 में खराब फसलों के लिए अतिरिक्त मुआवजे का वितरण होना है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रकम दबाकर 8615 किसानों के खातों में 18,67,00,000 रुपए डायरेक्टली ट्रांसफर करें। चलाइए। इसके आगे के भी कर लो सर। बाकी आज किसानों को विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी जो मिली है उसका भी आज वितरण होना है। सबसे पहले भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा के लिए 170.84 करोड़ रुपए, इसके बाद धान की सीधी बिजाई डीएसआर योजना के तहत 24.42 करोड़ रुपए, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 25.10 करोड़ रुपए, प्राकृतिक खेती योजना के तहत 1.20 करोड़ रुपए, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के तहत 237 करोड़ रुपए, मित्रों ये था कुल मिलाकर किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनके जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज़ किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से कोई टेक्निक के नाते से हो, तो वो उसके लिए हम नई नई चीज़ें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीज़न 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपये की राशि रिलीज़ की है और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है, तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें
चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था, तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जब बाढ़ आई थी, 4 जिले उसमें हैं जहाँ 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसके अंदर अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है, ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है, तो इन जिलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद, और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है, तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था, इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का, और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज़ किया है। 170 करोड़ रुपया, 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपये भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ से 71 लाख रुपये, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1,088 करोड़ रुपया अभी तक दिया है। और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाज़ार में बेचता है, तो जो एवरेज रेट वहाँ उस इलाके का होता है और जो MSP होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसकी बाद में कंजम्पशन का विषय आता है। तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। बाजरे की 3,54,000 टन जो है ये हमारी प्रोक्योरमेंट हुई थी 2,250-2,250 रुपये में, जबकि इसका जो MSP रेट था वो 2,500 रुपये था। इस प्रकार ऐसी दूसरा जो विषय था इस समय धान के नाते से हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसके अंदर एक तो मेरा पानी मेरी विरासत ये किया है। उस मेरा पानी मेरी विरासत में अभी तक हम 2020 में योजना शुरू की गई थी तो 143 करोड़ रुपया ये कुल हम दे चुके हैं, जिसके अंदर 118 करोड़ रुपया पहले दिया था और